नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएन से और एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, मालूम है काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ। कई लोग कमेंट करेंगे सर कहाँ थे। तो गाइस, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ, जैसे तुमने समझोगे, मुंह में छाले। देखो, मुंह में छाले होना आज के टाइम में ना मैं देख रहा हूँ बहुत आम बात है। मतलब कह लो महीने मेरे पास कम से कम 50 से 60% तो आते ही आते हैं मुँह में छाले के। कुछ क्रॉनिक होते हैं, मतलब कि पुराने वाले, और कुछ एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब ये होता है कि जो जिनको 2-4 दिन से होता है, हो रहा है और खाने के बाद ठीक हो जाता है, ठीक, जिनको मतलब कम डिजीज़ है। और एक क्रॉनिक में वो हो जाते हैं जिनको पुराना है, बार बार होता है, मौसम बदलने से होता है या डाइजेशन ख़राब होने से होता है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि छालों का कारण क्या है, समझिए। पहले कारण तो है, अगर आप शराब अल्कोहल वगैरह ज़्यादा अगर सेवन करते हैं तो आपको मुँह में छाले हो सकते हैं, काफ़ी देखा जाता है। दूसरा हम बात कर ले, जो मेजर प्रॉब्लम है डाइजेशन, आपका डाइजेशन सही नहीं है, कब्ज़ ज़्यादा बनता है, खान पान आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब कभी भी खा रहे हो, कैसे भी खा रहे हो, ये चीज़ें आप सुधार करिए। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, रात में ज़्यादा तेल वाला चीज़ें मत खाइए, सादा और सरल भोजन करिए, तो ये फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो अगर आपको किसी चीज़ का एलर्जी हो सकता है, फूड एलर्जी हो सकती है, जैसे कोई ऐसे फूड है जो आपको नहीं डाइजेस्ट होता हो, जैसे किसी किसी को सूरन, कटहल, ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है, तो अगर आपको ऐसा फूड एलर्जी है या फिर किसी किसी को डेयरी प्रोडक्ट होता है जो बाहर का, वो अगर सूट नहीं करता है, क्योंकि आजकल देखो जितनी कंपनियाँ हैं उनको आपके हेल्थ से कोई मतलब दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब क्या है, टेस्ट देना और प्रॉफिट कमाना। सीधा जान लो, टेस्ट और प्रॉफिट, आपका हेल्थ जाए तो जाए, उससे कोई प्रूफ। और गवर्नमेंट भी इस पर कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि भाई वो दुनिया भर का दवा का टैक्स दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। तो जितना हो सके बचो बाहर वाली चीज़ों से, डब्बा बंद पैकेट बंद चीज़ों से। तो ये सब खास करके जो है इनमें जो केमिकल डालते हैं ना टेस्ट को बढ़ाने के लिए, जैसे एक केमिकल है MSG जिसको कहते हैं, वो टेस्ट को बढ़ाने के लिए होता है, वो खास करके भी डालते हैं लोग, इन सब चीज़ों से बचिए। नेक्स्ट इसमें हम बात करें, बॉडी में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, चाहे वायरल हो, बैक्टीरियल हो, दोनों में, या और भी किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, हो सकता है ब्लड इम्प्योरिटी हो, ब्लड आपका प्योर ना हो, तो उस कारण से भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, ठीक। तो ये भी आपको देख लेना चाहिए, कहीं आपको कोई टाइफाइड वगैरह बुखार तो नहीं है, कोई कोलाइज जो है बैक्टीरियल जो आँत में होता है वो तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको कारण भी आपको मुंह में छाले बार बार पड़ सकते हैं, और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है गाइस टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो अगर आपको इसमें हो सकता है कि एलर्जिकल, और बहुत सारे लोगों को एलर्जिकल माउथ अल्सर होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओवरऑल आपके लाइफ स्टाइल, आपका डाइट प्लान, आपका डाइजेशन, और प्रॉपर जो है पानी की मात्रा लो, बाहर की चीज़ से कम बचो, तो इससे निजात पाया जा सकता है। नहीं तो ये अगर क्रॉनिक एक बार हो गया तो वो छाले बढ़ के ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, फिर बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। और सबसे लास्ट में एक बात कर लूँगा उनके लिए जो तंबाकू, गुटखा, ये सब चीज़ का सेवन करते हैं, तो एनी मेडिकेशन कर क्योर इलनेस नॉट अ मिस्टेक, यो कोई भी बीमारी आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है, आपकी गलतियों को ठीक नहीं करेगी। कुछ कॉमन से मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ, मर्क सोल 200 पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करता है गाइस, अल्सर, माउथ अल्सर में, छालों में। छाले भी कई प्रकार के होते हैं, ये उस वाला है जिसमें जो लाल वाले छाले होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, ठीक, मर्क सोल। एक छाले वैसे होते हैं जो पीला, मतलब अंदर ना वो पीलापन लेकर रहेगा, लाल नहीं पीलापन रहेगा वो, जैसे अंदर कुछ गाढ़ा टाइप का जम गया हो, उसमें बोरेक्स 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये दोनों जो मेडिसिन है एक्यूट डिजीज, मतलब जो तुरंत हुआ है, 2-4 दिन से हुआ है, 10 दिन, 1 हफ्ते ज़्यादा, उसके लिए, जिसको बार बार होते हैं, हमेशा होता है, उनके लिए गाइस पूरा हमारे यहाँ मतलब कि वो किट बनाया जाता है मुँह में छालों का, जिनको बार बार होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक माउथ अल्सर। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, अगर आप ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हैं। 1 महीने की दवा मांग चाहिए लगभग 1000-1000 रुपये की बनेगी, 1 महीने की, मतलब 30 दिन की, डिपेंड करता है आपका सिम्टम किस तरह का ऊपर नीचे होता है, कम भी बन सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी बन सकता है,
तो ये क्रॉनिक जो है आपको ऐसे मेडिसिन बता के ठीक नहीं होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा माउथ अल्सर का कारण, और इसको जितना जल्दी से दोस्तों निजात पालो, नहीं तो ये टाइम टू टाइम जाते हुए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, मुंह से गले तक भी जा सकता है, गले से लेके अल्सर पेप्टिक अल्सर तक अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।